किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, भक्त साहब बताइए, आप यहाँ किस लिए जमा हुए हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे गांव में आए और आपने हमारे यहाँ गांव वालों की सुनी। और यहाँ हमारा जो आज जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा आज महापंचायत है शिशोली में, मुजफ्फरनगर में, वहाँ हम जा रहे हैं और पूर्ण गाँववासी जा रहे हैं यहाँ से। और हमारा जो मकसद है वो है MSP पे और 3 काले कानून पे। अब MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो किसान की आय नहीं बढ़ेगी, किसान की तरक्की नहीं बढ़ेगी, किसान बर्बाद हो गया है। इस सरकार ने किसान को बर्बाद कर दिया है और यहाँ की यहाँ का लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है। क्यों? अभी हमारे यहाँ भैंस लाभ पे, टोल टैक्स पे जो किसानों के साथ हुआ, जो खट्टा सरकार ने कराया, वो बिल्कुल गलत था, वो लोकतंत्र की हत्या थी। वो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, ये सरकार अपनी सरकार, ये प्राइवेट सरकार बनाना चाहते हैं। ये इस सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी और अंबानी, ये लोग चला रहे हैं। और कुछ नहीं, आय बढ़े, हम ये किसानों की तरक्की बढ़े, मगर यहाँ क्या हो गया, किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। बिजली का बिल देख लो, यूरिया के दाम देख लो आप, या किसी भी चीज़ के आप देख लो, बिल्कुल किसान उस जगह पर ना लगा छोड़ दिया है कि किसान अपना दो वक्त का खाना भी सही तरीके से नहीं खा सकता है। क्यों? किसान की तरक्की नहीं है, किसान की आय नहीं है, किसान बिल्कुल उस जगह पर। ये सरकार चाहती है, ये चाहती है कि किसान को हमेशा गरीब रखे और ये किसानों पर सरकार अपनी सत्ता जमाए। ये सरकार का यही फंडा है और कोई नहीं है। सरकार ये चाहती है कि हम अब इन्होंने क्या किया, हमारे बीच में इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी कर दी, जो इन्होंने विकास किया है। क्यों? तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम जाट हो, तुम सिख ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल भाईचारे से, सम्मान के साथ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने देश में हम रह रहे हैं, मगर ये सरकार हमें आपस में लड़ा करके अपना फ़ायदा उठाना चाहती है। ये चाहती है कि हम आपस में लड़ें और ये सरकार हमारा फ़ायदा उठाए, सरकार हम पर राज करे, ये हमेशा इसकी सत्ता रहे। ये अडानी और अंबानी के हाथों ये सरकार बिक चुकी है और कुछ नहीं है। और जो 11,000 करोड़ रुपए अभी गन्ने के बकाया हैं, क्यों नहीं दे रही है सरकार, बताइए आप मुझे। किसान यूनियन क्यों नहीं दे रही सरकार, बताइए आप मुझे। और ये तो सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, और जो प्राइवेट हैं उनके तो गिनती नहीं है कि कितने हजारों करोड़ रुपए किसानों का सरकार पर पड़ा है, मगर देने को तैयार नहीं है। अगर कोई आदमी, गांव का आदमी लोन ले लेता है ग्रीन कार्ड पे, उस पर ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, उसको बिल्कुल ये नीलामी कर देते हैं, उसका लोग बिल्कुल ये लगा लो उसे बिल्कुल खरीदने का काम करते हैं, मगर हम क्यों नहीं करते इस चीज़ को, बताइए। ये साथ हमारे साथ, जब हम अपना हमारा गन्ने का पैसा है सरकार के पास जमा है, तो वो ब्याज सहित क्यों वापस क्यों नहीं करती है, बताइए हमें। हमें तो ब्याज की छोड़ो, हमें मूल भी नहीं मिल रहा है। हमें तो इन्हें जो है ये डोज दी जा रही है, अब ये जो पहली डोज जो है बंगाल में दे दी, अब दूसरी डोज जो है हम जो है यूपी में देंगे। अच्छा, 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, इन्हें जो है तो, वैक्सीन की डोज जो है दूसरी हम जो है, उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? हाँ, बताइए। बस 2022 में इन्हें मालूम चल जाएगा कि तुम्हारे नीति अच्छी है, तुम्हारे कानून अच्छे हैं, उसका खुल का विरोध उसमें ही जाहिर हो जाएगा। जी जी, तो यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, कितनी बसें जा रही हैं? हमारे यहाँ से करीब 250-300 आदमी है। जी जी, 3 बस हैं। आपका नाम सर? बबलू। हाँ बताइए। किसोने का निवासी हूँ, जो पंचायत में जा रहे हैं। जी सर, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है जी, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान की पैदावार घटती जा रही है और किसान की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा जी। यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, 3 महीने से किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, लाइन लग के मिल रहा है, 2-2 कट्टे मिल रहा है। अच्छा, यूरिया भी महंगा कर दिया, पहले 50 किलो आता था कट्टे में, अब 45 किलो घटा दिया, 5 किलो घटा दिया। जी जी, 45 किलो हो गया, 45 किलो का यूरिया भी लाइन में मिल रहा है और वेटिंग में मिल रहा है। जी जी, आप ये देखिए, एक आदमी किसान अपना न्यार देखे, पहले यूरिया लेकर आएगा, लाइन में लगेगा। इतनी ये समस्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है जी। बाकी हमारे 4 साल से गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़ा, महंगाई बराबर बढ़ रही है जी। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, ऐसा क्यों है? क्या यही सबसे ज़्यादा माल ला रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दुगनी आय हो जाए किसान की। मैंने तो एक चीज का बताया कि दुगनी आय जब हो जाए, हमारा 300 का रेट है वो 600 हो जाए,
मैं तो सीधा सीधा से जानूंगा, पर दुगनी आय जब ही तो होएगी। हमारा गेहूं 2000 बिक रहा, 4000 हो जा, जब ही तो दुगनी आय होएगी। या दुगनी आय कहां से होएगी? कोई दुगनी आय खेत में पैदा होएगी? खेत में सारा कीड़ा खा गया, कोरा जन बेची है इन्होंने, हटेरा बेचा, सब साला नकली बेचा, सबके समस्या देखो, तुम खेतों में जाके देखो कितना बुरा हाल है। फैक्ट्री वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो बिगड़ रहा है किसान का। किसान परेशान है और कोई परेशान नहीं है। तो आज मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत है जी, तो क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या फैसला लेने वाले? बड़े लोग हैं, बड़े लोग जानेंगे, जो उनका आदेश होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। जो टिकेश साहब का आदेश होगा, जो टिकेश साहब करें वो आदेश उनका मान्य होगा, जो भी वो आदेश करें जी जी उनके ऊपर है सर। बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बहुत छोटे से लोग, एक छोटे से गांव से जा रहे हैं हम। टिकेशोला भी काफी अच्छा गांव है, अच्छे किसान, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसान हैं। हाँ, सभी किसान हैं, और किसान देश का अन्नदाता है जी। अगर किसान ही अगर अन्न नहीं उगाएगा तो जनता खाएगी कहाँ से? सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम, किसानों की इतनी पावर है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्यों? ये इनके सरकार के हित में, किसान के हित में नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और किसान नीचे जाता जा रहा है। किसान का सब जो खेती में पैदा हो रहा है सब मंदे रेट में जा रहा है, और इनके जो